हेलो दोस्त, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज मैं एक ऐसा चिकन बनाऊंगी कि जो एकदम अचार की तरह होगा। हाँ, जैसा अचार होता है उसी तरह आज हम चिकन बनाएंगे। नए तरीके का ये चिकन है, आप तो देखते रहिए। तो अभी हमने 1 स्पून जीरा डाल दिए हैं और उसमें 1-2 हम खड़े मिर्च डाल रहे हैं, सूखा हुआ मिर्च डाल रहे हैं। और देखिए, मैंने 500 ग्राम चिकन मंगाई हूँ, 500 ग्राम चिकन है। फिर ये देखिए, टमाटर भी है सारा, और यहाँ देखिए प्याज है, और ये गार्निश करने के लिए धनिया है इसमें। अब हम पहले इसमें प्याज डालेंगे, आज हमारे घर में सिर्फ हम हैं और मेरे हस्बैंड हैं। आज पार्टी हो रहा है तो बच्चे लोग भी उधर ही पार्टी मना रहा है लोग, तो हम सोचे चलिए सही पार्टी मना रहे हैं तो हम भी अपने दर्शकों के लिए पार्टी ही मना देते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। हाँ देखिए, हम प्याज डाल रहे हैं, 500 ग्राम चिकन में ये 500 ग्राम चिकन में हमने प्याज सिर्फ 4-5 ही काटे हैं। इतना देखिए, जिसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे, इसमें थोड़ा नमक हम डालेंगे ताकि प्याज जल्दी गल जाए। देखिए जल्दी, ताकि प्याज जल्दी गल जाए। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि आज मैं अकेले हूँ, लड़का लोग बाहर ही चला गया है, सब कोई घर में नहीं है। तो इसके वजह से हम क्या किए हैं कि सारी तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं, टोटल तैयारी हम पहले कर चुके हैं। जैसे चिकन भी हम धो करके एकदम फ्रेश कर लिए हैं, देखिए और कितना मस्त है, पीस भी अच्छा भी लग रहा है। तो आज हम आपको फिर हम अचार जैसा चिकन खिलाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा प्याज एकदम भूज करके लाल हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, इसको हम पहले ही धो धा करके रख लिए हैं। हाँ, अब इसमें हम चिकन डालेंगे और 5 मिनट हम इस चिकन को भी फ्राई करेंगे। और हाँ, हम ये कसम नहीं देंगे कि प्लीज़ हमको लाइक कीजिए, इनका कसम है, भगवान का कसम है, ये है वो नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। जिनको खुशी पड़ेगा वही शेयर और लाइक करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। देखिए, आज नया तरीका से हम आपको चिकन बनाकर खिलाएंगे। और एक तरफ हम चावल भी बिठा दिए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, वो लेकर आ चुके हैं। ये 5 मिनट अभी भुनाएगा, थोड़ा लाल होने तक इसको अभी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। और मसाले में हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, थोड़ा सा जीरा मरीच 1-1 चम्मच, और 2-4 हरा मिर्च है, हाँ, और कश्मीरी मिर्च है, तो वो तो अभी हम नहीं डालेंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इससे 1 चम्मच घी डालनी तो एकदम ये पता ही नहीं चलेगा कि चिकन है या मटन है, ये मटन का ही स्वाद देगा।
तो आप देखिए मेरा जो चिकन था वो गल के कैसा हो गया है, देखिए। अब इसमें हम मसाला मिक्स करेंगे, जो कि हम पहले ही ग्राइंडर में थे। एक बारीक कटा टमाटर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच हल्दी, लास्ट में हम नमक डालेंगे। पहले भी हम नमक डाल चुके हैं प्याज में, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही नमक डालना है। हो गया मेरा चिकन, खाइएगा, एक बार खाइएगा, बार बार कहिएगा कि हमको खिलाइए बना बना। मसाले को हम मीडियम आंच पर ही भूनेंगे। इसलिए हम मीडियम आंच पर भूनेंगे मसाले को, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं मिक्स करना है। पानी इसमें डालेंगे तो कलर खराब हो जाएगा। तो हम अभी इसको हम मीडियम आंच पर करके इसको आधा घंटा तक, अभी आधा घंटा नहीं, मैंने 5 मिनट इसको भूनेंगे। हम देखते हैं 5 मिनट तक हो गया, देखिए इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, सॉरी ये रंग कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च डालिए, कलर अच्छा आता है इससे। देखिए देखिए इसका कलर कितना मस्त हो गया है, देखिए। और इसमें हम डाल देंगे अभी चिकन मसाला, लास्ट में गरम मसाला भी डालेंगे। अभी चिकन मसाला डाल रही हूँ इसमें, देखिए। दोस्तों बोले थे ना कि हम अचार आपको खिलाएंगे, देखिए बगैर पानी का, पानी नहीं डाले हैं। और देखिए मेरा सीज कर कैसा हो गया है, एकदम देखिए गल गया है एकदम, देखिए कलर भी इसका कितना ब्यूटीफुल है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, हल्का गरम मसाला। अब गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे। इससे आपको जब देखिए, इससे क्या होता है कि ये नहीं पता चलेगा ना कि ये मटन चिकन है। ये आप खाइएगा तो ये बहुत स्वाद है इसमें। और ये घी डालने का यही तात्पर्य है, ये आपको मटन का स्वाद देगा। देखिए मेरा चिकन बनकर एकदम तैयार है। मिर्ची डालेंगे, अब हम इसमें कसूरी में से फिर ऊपर से डालेंगे, और थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे, और पानी तो एक बूंद भी नहीं डालना है। अच्छा चलिए, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। इसी तरह ही खाइए, खाइए, खा कर बना कर देखिए। एक बार ये आप लोग कोशिश ऐसा कीजिएगा बनाने के लिए, बहुत टेस्टी लगेगा ये, और मस्त है, कलर भी मस्त है, देखिए ये।
देखिए दर्शकों, आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा, क्योंकि हमारे मुंह में जब पानी आ गया है तो आप तो दर्शक देख ही रहे हैं, खाने के लिए बेताब हैं आप। अभी मेरा तैयार हो चुका है, हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए कितना मस्त है, अब आप इसे पराठे साथ खाइए, चावल साथ खाइए, रोटी साथ खाइए, या इसी तरह खाइए समोसा समझ कर, बस बहुत मस्त है। अब आपके लिए देखिए, हम इतना मेहनत किए हैं, इसलिए आप भी थोड़ा बहुत मेहनत कर दीजिए, बेल आइकन और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में लिख कर ये बताइएगा हमको कि कैसा लगा। आखिर आप लोग बताइएगा हमको कमेंट में करके, तभी तो हम आपको नया फिर रेसिपी हम बनाकर दिखाएंगे, खिलाएंगे। आपके लाइक और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अगर मेरा लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा उत्साह और बढ़ जाता है, तो लगता है कि चलो हम अपने दर्शकों को बनाकर ये खिलाएंगे। बाय।